हेलो फ्रेंड्स, मैं सैम्यूल तेजा, काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट। आज आपके साथ बात करने जा रहा हूँ इफ़ेक्टिव पेरेंटिंग के बारे में। जैसे हम सभी को पता है कि आजकल के जो टाइम चल रहा है उसमें एक अच्छे माँ बाप बनना एक बहुत ही बड़ा चैलेंज है, क्योंकि हम अपने बच्चों को जन्म तो दे देते हैं मगर अच्छे माँ बाप बनना एक बहुत ही बड़ा चैलेंज है। क्योंकि हम देखते हैं कि आज जो पेरेंट्स हैं कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं अपने बच्चों को लेके, क्योंकि हम सोचते हैं एक बच्चे को जन्म दे देने से हम पेरेंट्स नहीं बनते, क्योंकि हम बच्चे को जन्म देने के बाद जो उनके साथ हम टाइम स्पेंड करते हैं, जो उनके साथ हम उनकी वैल्यूज़ देते हैं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जो अच्छे पेरेंट बनना एक 20 ईयर्स का प्रोजेक्ट है। यानी कि हमने अपने बच्चों को जन्म दे दिया और हमारे बच्चों को वैल्यूज़ कोई और मिल रही है, कोई और हमारे बच्चों को पाल रहा है। क्योंकि अगर हमने अपने बच्चों को जन्म दिया है तो उनको कम्प्लीटली उनको अंडरस्टैंड करना, उनको सपोर्ट करना फॉर नेक्स्ट 20 ईयर्स तक हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। क्योंकि हमारे बच्चे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में से गुजरते हैं, क्योंकि ये जो लाइफ के दो मेजर ऐसे फेस हैं, पहला फेस है चाइल्डहुड फेस, दूसरा टीनेज फेस। जो चाइल्डहुड फेस है ये स्टार्ट होता है जब बच्चा जन्म होता है, इन्फेंट्स के बाद चाइल्डहुड फेस स्टार्ट होता है जो जाता है 12 साल तक। 12 साल के बाद 13 साल से लेके 19 साल तक के जो नेक्स्ट फेस आता है बच्चों का, जिसको बोलते हैं टीनेज फेस। और इस फेस में बच्चों की प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं, मगर हम एज ए पेरेंट हम क्या करते हैं कि चाहे बच्चे बड़े भी हो जाते हैं, चाहे वो छोटे भी हैं या बड़े हैं, उनके साथ हम एक ही तरीके से ट्रीट करते हैं। क्योंकि जब हम अपने बच्चों के साथ एज ए पेरेंट कम्प्लीटली ट्रीट करते हैं, जब हम उनके लेवल पे जाके उनको अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, तब हमारे बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स आती हैं। इसलिए सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है एक पेरेंट्स और बच्चों के बीच में, वो है मिसकम्युनिकेशन। ऐसा है कि बच्चे जो आपको बताना चाह रहे हैं वो अपने नज़रिए से आपको कुछ बताना चाहते हैं, मगर हम उसको अपने अलग नज़रिए से समझ रहे हैं। क्योंकि अगर हम देखा जाए, अगर हम एग्ज़ाम्पल लें 6 और 9 की, अगर मैं उसको 6 लिखूं यहाँ पे, तो दूसरा इंसान उसको एज ए 9 देखेगा, क्योंकि मैं उसको 6 देख रहा हूँ, मैं भी ठीक हूँ। और दूसरा इंसान जो मेरी दूसरी तरफ है उसको अगर 9 देख रहा है, वो भी ठीक है, क्योंकि उसका अपना नज़रिया है। अगर पेरेंट्स उसको अगर 9 देख रहे हैं और बच्चे उसको 6 देख रहे हैं, दोनों ठीक हैं, मगर हम एक दूसरों को समझ नहीं पाते। तो इसलिए आज हम जो बात करने जा रहे हैं कि अच्छे माँ बाप कैसे बनना है। माँ बाप बनना बहुत ईजी है, हम बच्चे को जन्म दिया और हम माँ बाप बन जाते हैं, मगर आज के टाइम में एक ऐसा दौर चल रहा है, हम एक ऐसी सेंचुरी से निकल रहे हैं, 21st सेंचुरी जो है, जिसमें टेक्नोलॉजी ने जो और बहुत सारी प्रॉब्लम्स ने इतना ज़्यादा हमारे माइंड को डोमिनेट कर दिया है कि हमारा जो फोकस है वो अपने बच्चों से हट के और बहुत सारी चीज़ों पर चला गया है। क्योंकि हाँ, अगर हम देखा जाए, अगर हम 20 साल पीछे चले जाएं, तो उस टाइम पे देखा था जॉइंट फैमिलीज होती थी, बच्चों पे बहुत ज़्यादा फोकस होता था, क्योंकि उस टाइम पे और चीज़ों पे हमारा फोकस नहीं था, क्योंकि हम काम पे जाते थे, वापस आके अपना ज़्यादातर टाइम अपने बच्चों के साथ स्पेंड करते हैं। मगर आज के टाइम में हम बच्चों के ऊपर पैसे स्पेंड करते हैं, उनकी एजुकेशन के ऊपर, हर चीज़ के ऊपर, बेस्ट गिफ्ट देते हैं उनके बर्थडे के ऊपर, मगर एक चीज़ हम नहीं दे पा रहे, वो है टाइम। तो इसलिए बच्चों को ऊपर पैसे स्पेंड करने से ज़्यादा उनके ऊपर टाइम स्पेंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आज बच्चे हमारे कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि पेरेंट्स की हमेशा एक कंप्लेन रहती है कि हमारे बच्चे हमारी बात नहीं सुनते, वो हमारे कहने में नहीं है, वो हमारे जो बोलते हैं उसके अगेंस्ट बोलते हैं। क्योंकि अगर बच्चे हमारे हमारी बात नहीं मान रहे हैं, अगर हमारे बच्चे हमारे अकॉर्डिंग नहीं चल रहे हैं, तो इसका पूरा फॉल्ट, इसका पूरा दोष बच्चों में नहीं है। हमें अपने जीवन के ऊपर रिफ्लेक्ट करने की ज़रूरत है कि अगर हमारे बच्चे हमारे कहने में नहीं है, हमारे नहीं मान रहे हैं, वो अपनी मनमानी कर रहे हैं, तो उसमें सबसे पहली जो प्रॉब्लम है वो हमारे बीच में है, क्योंकि हम उनको अच्छी वैल्यूज़ दे ही नहीं पाए। तो आज हम उसी चीज़ के बारे में बात करने जा रहे हैं कि अच्छे पेरेंट्स क्या हैं।
और आने वाले और भी हमारे बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जिसमें हम इसी के बारे में बात करने जा रहे हैं, क्योंकि ये सिर्फ हमारा एक एपिसोड नहीं जिसके द्वारा हम एक चीज़ के ऊपर बात करेंगे। इसके ऊपर हम लगातार आप लोगों के साथ बात करते रहेंगे कि कैसे अच्छे पेरेंट बनना है, क्योंकि अच्छे पेरेंट बनना सिर्फ एक दिन की या एक घंटे की बात नहीं है जो हम यहाँ सीखेंगे, ये एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। तो हम यहाँ पे अपने इस चैनल के थ्रू आपको सपोर्ट करेंगे अच्छे पेरेंट बनने के लिए, अच्छी वैल्यूज़ हम कैसे आपको दे सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें कि जो आज के टाइम में जो मेजर चैलेंजेस हैं जो एक पेरेंट्स फेस कर रहे हैं, सबसे पहला चैलेंज है जो पेरेंट्स फेस कर रहे हैं आजकल देखा जाता है, सबसे बड़ा चैलेंज वो है एग्रेसिव बिहेवियर है जो बच्चों का, कि हम देखें कि हर जगह बच्चे चाहे छोटे ही हैं उनमें अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा पाया जाता है, बहुत ज़्यादा एग्रेशन पाया जाता है, वो छोटी छोटी चीज़ों के लिए अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट बोलते हैं, अपने भाई बहनों से लड़ते हैं, बहुत ज़्यादा एग्रेशन। अगर देखा जाए पिछले 10 सालों के साथ अगर देखा जाए, जो कि साइकोलॉजी ये बताती है, जो मनोविज्ञान है उसकी ये स्टडी है, कि जो पिछले 10 सालों में एक अलग चेंज आया है बच्चों में, उस चेंज के लिए सोशल मीडिया ने बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूट किया है। तो इसलिए जो एग्रेसिव बिहेवियर है वो कहीं ना कहीं उसके लिए हम एज ए पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबल हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि अगर हम अपने आप को इवैल्यूएट करें कि जब हमारा बच्चा छोटा है, जब हमारे परिवार में हमारे बच्चे का जन्म होता है, तो उस टाइम पे, क्योंकि आजकल देखा जाए तो हमारे मैक्सिमम एक या दो बच्चे ही होते हैं, उस पहले बच्चों की तादाद जो थी गिनती थी फैमिली में ज़्यादा होती थी, मगर आजकल जो फैमिलीज हैं वो न्यूक्लियर फैमिलीज हो चुकी हैं। पहले जॉइंट फैमिली की वजह से 4-5-6 बच्चे भी होते थे एक परिवार में, मगर आज एक या दो मैक्सिमम बच्चे हैं परिवार में, जिस वजह से हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों को हम पूरा बेस्ट दें। हमारे बेस्ट का क्या पे यहाँ क्या मीनिंग है कि उनका हम बेस्ट एजुकेशन दें, बेस्ट कपड़े दें, बेस्ट गैजेट्स दें, बेस्ट फ़ोन दें, मगर सबसे ज़्यादा टाइम जिसके बारे में बात करोगे टाइम हम नहीं दे पा रहे हैं। तो इसलिए हमारा जो एग्रेसिव बिहेवियर कैसे डेवलप होता है, ये क्योंकि जब हमारे बच्चे कोई चीज़ हमसे मांगते हैं जब वो छोटे होते हैं तो हम उनको झट से दे देते, अभी वो चीज़ उनके अभी मुंह में होती है, वो बोल रहे थे मम्मी पापा हमें ये चीज़ चाहिए, और एकदम से उससे भी दो चीज़ें हम उनको ला के दे देते हैं, जिससे बच्चे जो हमारी साइकोलॉजी अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि मेरे पेरेंट्स मुझे जो मर्जी ला के दे देंगे। तो जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं उनकी नीड्स और वॉन्ट्स भी बढ़ती जाती हैं, और जब वो थोड़े से बड़े हो जाते हैं, जब वो छोटे होते हैं उस टाइम पे उनकी डिमांड्स कम होती हैं, जो चीज़ें वो चाहती हैं वो कम पैसे में आती हैं, शायद धीरे धीरे जैसे हमारा टाइम बढ़ता जाता आगे उसके बाद बच्चों की डिमांड बढ़ती जा रही है, उनकी कॉस्ट बढ़ती जा रही, मगर शायद हमारी इनकम उतनी नहीं बढ़ रही, जिस वजह से हम उनको वो चीज़ें नहीं लेके पा रहे जो उनको पहले देके दे पा रहे थे। इसलिए फिर बच्चों के मन में वो था कि हमारे पेरेंट्स हमें प्यार नहीं करते, वो हमें चीज़ें नहीं लेके देते, क्योंकि हमने स्टार्टिंग से अपने बच्चों में माइंड में एक चीज़ डाल दी, प्यार को दर्शाना कि मतलब कि उनकी नीड्स को पूरा करना, उनको हमने ये नहीं सिखाया कि प्यार का मतलब है कि उनके साथ टाइम स्पेंड करना, उनके लिए प्यार की परिभाषा क्या है, जो बड़े भी जाते हैं कि हमें ये गिफ्ट मिलेगा, हमारे पेरेंट्स हमें ये गिफ्ट देंगे तो हम हमारे पेरेंट्स हमें प्यार करते हैं। तो सबसे बड़ा जो कारण है जो एग्रेसिव बिहेवियर का बच्चों में गुस्सा आ रहा आजकल, उसका कारण है कि हम स्टार्टिंग से ही बच्चों के लिए सामने सरेंडर कर देते हैं। कहते हैं कि जो पहले 6 साल का जो टाइम होता है ना एक बच्चे की लाइफ का, जो फेस होता है जिसको हम चाइल्डहुड फेस बोलते हैं, 6 साल तक का जो बच्चे का टाइम होता है उसमें हम बच्चे को जैसे चाहें मोल्ड कर सकते हैं, क्योंकि उस टाइम बच्चे का जो दिमाग होता है वो बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है। साइकोलॉजिकली जब बच्चे का जन्म होता है वो एक वाइट बोर्ड की तरह होता है जिस पर कुछ नहीं लिखा होता है, हम उसके जो मर्जी लिख सकते हैं, जैसे मर्जी मोल्ड कर सकते हैं, इज़ वेरी फ्लेक्सिबल लाइक ए रबर बैंड। वो जो रबर बैंड होता है हम जैसे उसको मर्जी मूव कर सकते हैं, वैसे ही बच्चे का माइंड होता है 6 साल तक। मगर 6 साल तक हम बच्चे के सभी नीड्स को पूरा कर देते हैं और उसके माइंड में क्या चीज़ बैठ जाती है कि अभी मैं जो मांगूंगा मेरे सामने हाजिर हो जाएगा। तो जब वो 6 साल के बाद वाले फेस में आता है उस टाइम उसका बचपन वाला फेस ख़त्म होके एक बड़ा चाइल्डहुड टीनेज वाला फेस स्टार्ट हो जाता है, जिसमें हम उनके नीड्स को पूरा नहीं कर पाते। तो इसलिए सबसे जो बड़ा कारण है वो है
कि हमने अपने बच्चों के माइंड को गलत तरीके से ट्रेन किया, हमने उनको गलत तरीके की प्यार की परिभाषा दी कि चीज़ों को देना, गिफ्ट देना, उनकी नीड्स को पूरा करना। क्योंकि हमें एक डिफरेंस जानने की ज़रूरत है कि अगर बच्चे कुछ मांग रहे हैं उसमें दो चीज़ें होती हैं, क्या एक होती ज़िद, दूसरी होती ज़रूरत। तो आपको ये चीज़ डिफरेंस जानना ज़रूरी है कि बच्चों की ज़िद क्या है। अगर बच्चा आपसे फ़ोन मांग रहा है, क्या ये फ़ोन उसकी ज़रूरत है, क्या उसकी ज़िद है? कि अगर बच्चा आपसे कोई अच्छी बुक मांग रहा है, क्या उसकी वो ज़रूरत है कि उसकी वो एक ज़िद है? तो हमें एज ए पेरेंट ये जानना ज़रूरी है कि उनकी ज़िद क्या है और उनकी ज़रूरत क्या है। तो इसलिए सबसे पहली चीज़ एग्रेसिव बिहेवियर डेवलप होने की, उनकी नीड्स और वांट्स को हम अंडरस्टैंड नहीं कर पाए, हम उनको, हमने अपना खुद पूरा कंट्रोल अपने बच्चों के हाथ में दे दिया। इसलिए आपने देखा होगा जब आप मार्केट में जाते हो, जब आप बच्चों को साथ लेके जाते हो तो क्या होता है, बच्चे आपके मार्केट में ही लेट जाते हैं। आपने वो कुछ आपसे मांग रहे हैं, आपने उनको लेके नहीं दिया, वो सीधा वहीं पर लेट गए मार्केट में। वो क्यों? क्योंकि आपने उनके ऑलरेडी माइंड में डाल दिया कि जो उनने मुँह से निकाला वो एकदम से उनके सामने आ जाएगा। तो इसलिए सबसे पहले जो प्रॉब्लम हमने डिफाइन की, सबसे बड़ा चैलेंज जो पेरेंट्स का, वो क्या है? वो है एग्रेसिव बिहेवियर पेरेंट्स बच्चों का। और इस एग्रेसिव बिहेवियर के लिए एज ए पेरेंट हम कुछ ज़िम्मेवार हैं। मेबी बच्चे में भी कुछ कमियां हो सकती हैं, बच्चे में भी कुछ डेवलपमेंट चीज़ें हैं, मगर आई वुड से दैट कि 90% से ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन एक बच्चे के लाइफ में होता है वो पेरेंट्स देते हैं। मे बी बाकी चीज़ें वो स्कूल से सीखता है, अपने फ्रेंड्स से सीखता है, मगर पेरेंट्स के साथ जो उसका बॉन्ड है वो किसी और के साथ नहीं हो सकता है। सो ये है सबसे पहला चैलेंज, एग्रेसिव बिहेवियर, जो सबसे ज़्यादा कंप्लेन, क्योंकि मैं एज ए साइकोलॉजिस्ट वर्क कर रहा था लवली यूनिवर्सिटी में 5.5 साल से, वहाँ पे भी मेरी काफ़ी बच्चों के साथ डीलिंग होती थी। फिर मैं काफ़ी स्कूल्स में जाता हूँ सेमिनार करने के लिए, वहाँ मैं टीनेज बच्चे हैं जो बच्चों के साथ काफ़ी सेमिनार्स होते हैं, कहते हैं कि मैं पिछले 2-3 साल से एग्रेसिवली वर्क कर रहा हूँ इसी फील्ड के ऊपर, बच्चों की साइकोलॉजी को अंडरस्टैंड करते हुए, टीनेज की साइकोलॉजी को। मेरे पेरेंट्स के लिए भी काफ़ी सेमिनार होते हैं। तो एज ए मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल, एज ए साइकोलॉजिस्ट, मैंने इस चीज़ को बड़ा डीपली जाना है, बहुत डीपली अंडरस्टैंड किया है कि अग्रेशन है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंप्लेंस आती हैं जब मैं इंटरेक्ट करता हूँ प्रिंसिपल्स के साथ। तो इसलिए यह है सबसे बड़ी प्रॉब्लम, सबसे पहली प्रॉब्लम है एग्रेसिव बिहेवियर। अभी हम बात करते हैं सेकंड चैलेंज की। सेकंड चैलेंज है फ़ोन एडिक्शन, जिससे सभी पेरेंट्स परेशान हैं, सभी टीचर्स परेशान हैं। क्योंकि ये फ़ोन एडिक्शन है, अगर हमारे बच्चों को फ़ोन एडिक्शन है तो हम उनमें बच्चों का कसूर नहीं निकाल सकते। ये कहा जाता है कि बच्चे वो सीखते हैं जो वो देखते हैं, ना कि जो आप उनको बताते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप उनको बोल रहे हो कि बच्चे फ़ोन इस्तेमाल मत करो, मगर रात 12 बजे तक फ़ोन लेके आप फेसबुक चलाए जा रहे हो, तो हम कैसे वो बच्चा वो चीज़ को मानेगा? तो सबसे पहले अगर हमारे बच्चों को फ़ोन एडिक्शन है तो उसके लिए कहीं ना कहीं वो हमें देख रहे हैं एज ए पेरेंट। क्योंकि मेरे पास बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं काउंसलिंग के लिए, बॉस का हमारा खुद का अबंडेंट लाइफ ऑर्गेनाइजेशन है हमारी, वहाँ पे भी बहुत सारे हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं, बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं अपने बच्चों को साथ लेके काउंसलिंग के लिए। तो अभी रिसेंटली भी मेरे पास एक केस आया था, एक पेरेंट्स मेरे पास अपने एक बच्चे को लेके आए थे, बोलते कि ये बात नहीं मानता है, इसमें बहुत एग्रेसिव बिहेवियर है, फ़ोन को नहीं छोड़ता है। तो मैंने फिर बच्चे से ज़्यादा मैंने पेरेंट्स के ऊपर फोकस किया। मैं कहा थोड़ा आप अपने बारे में बताइए कि आप कितना ज़्यादा फ़ोन इस्तेमाल करते हो, आपकी फ़ोन हैबिट्स क्या हैं। बोला कि हम तो सुबह उठते ही फ़ोन यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं, सबसे पहले फ़ोन ही देखते हैं, और सोते समय भी फ़ोन ही चलता रहता है, किचन में भी फ़ोन चल रहा है, हम काम कर रहे हैं फिर ही फ़ोन चल रहा है। तो फिर मैंने बोला कि प्रॉब्लम फिर बच्चे में नहीं है, तो वो तो वही करेगा जो आपको करते हुए देखेगा। तो इसलिए फिर मैंने बोला कि आपको बदलने की ज़रूरत है। अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों में बदलाव आए, अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे चेंज हों, तो इसलिए सबसे पहले हमें बदलने की ज़रूरत है। क्योंकि महात्मा गांधी जी ने बहुत अच्छी तरह से कहा है कि अगर आप संसार में बदलाव लेके आना चाहते हो तो पहले खुद बदलाव बनो। If you want to bring about the change in the world,
बी अ चेंज। तो हमें खुद पहले बदलाव बनना पड़ेगा। आजकल हम देख रहे हैं कि एक बहुत ही गेम चल रही है जिसको हम बोलते हैं पबजी, जिसके बारे में अक्सर मैं बात करता हूँ पबजी के बारे में स्कूल्स में। मैं अभी पिछले दिनों में भी मैं सेमिनार दे रहा था स्टूडेंट्स के लिए, तो मैं पबजी के बारे में बात करता हूँ। तो पबजी में सिर्फ ये नहीं कि हम बच्चे इन्वॉल्व हैं, बहुत सारी फीमेल्स बहुत सारे मेल्स भी इन्वॉल्व हैं। और पिछले दिन ही मैं एक टॉक दे रहा था, वहाँ पे मैं डिस्कशन कर रहा था कि बहुत सारी जो पेरेंट्स हैं बहुत सारी फीमेल्स हैं वो पबजी में इतना ज़्यादा बिजी होते हैं कई बार सब्जी बनाने भी भूल जाते हैं, है ना। तो इसलिए जो पबजी ने इतना ज़्यादा हमारे माइंड को डोमिनेट कर दिया है कि हमारे जो अपने खुद के जो टास्क हैं हमारे डेली लाइफ के वो भी अफेक्ट हो जाते हैं। और बच्चों ने पबजी कैसे आई, बच्चों को स्कूल में तो नहीं सीखा कि उनके सिलेबस में नहीं था कि आपने पबजी खेलनी है, या उनके टीचर ने नोट लिख के नहीं भेजा होगा पेरेंट्स को कि आपने इस बच्चे को ना 3 घंटे पबजी खिलानी है तभी इसकी मेंटल डेवलपमेंट होगी। उन्होंने कहाँ से सीखा ये सब, पेरेंट्स से, अपने कज़न से, अपने बड़ों से। तो बच्चे जो भी कर रहे हैं आप ये सोचो वो उनके अंदर से कुछ भी नहीं आ रहा है, वो बाहर से आ रहा है, आपसे आ रहा है, कहीं ना कहीं से आ रहा है। तो मैं ये नहीं बोलता हूँ कि बच्चों को फ़ोन नहीं देना चाहिए, बच्चों को फ़ोन देना चाहिए क्योंकि ये उनके लिए बहुत कुछ सीखने का एक माध्यम है, एक सोर्स है। ये जो स्क्रीन टाइम है, व्हाट वी कॉल इट इज़ अ स्क्रीन टाइम, आज की जो हमारी लाइफ है वो सिर्फ क्या हो चुकी है, एक 5 इंच की स्क्रीन बन के रह चुकी है हमारी जो लाइफ है। आज हमारी दुनिया क्या है, सिर्फ 5 इंच की स्क्रीन। हम उस दुनिया में घुसे हुए हैं और बाद में हमारे बच्चे भी उसी में घुसे हुए हैं। हम देखते हैं जैसे हमारे बच्चे आते हैं स्कूल से, अपना बैग फेंकते ही क्या उठाते हैं, वो फ़ोन, उनको फ़ोन चाहिए, उनको गेम चाहिए। तो इस गेम की वजह से इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट जो हो रहा है बच्चों के ऊपर ख़ास तौर पे और बड़ों के ऊपर भी, कि बच्चों में जिस मैंने प्रॉब्लम की बात की, अग्रेसिव बिहेवियर जो मैंने पहला पॉइंट डिस्कस किया, उस एग्रेसिव बिहेवियर का सबसे एक बड़ा कारण एक पबजी गेम भी है। क्योंकि अगर मैंने इसके ऊपर रिसर्च की थी पबजी गेम के ऊपर कि ये एक एग्रेसिव गेम है जिसमें आप कुछ करेक्टर चूज़ करते हो, आप अपनी टीम बनाते हो, फिर आप लोगों को मारते हो टीम बना के, फिर आपको रिवॉर्ड मिलता है, तो उनके माइंड में ये क्या चीज़ मिलती है कि अगर हम किसी को मारेंगे, हम किसी को नुकसान पहुँचाएंगे तो हमें अप्रिशिएट किया जाएगा। तो वही अग्रेसिव बिहेवियर उनका घर पे अपने भाई बहनों के साथ आर्ग्यू करना, लड़ना, अपने क्लासमेट्स के साथ ये चीज़ करनी, वो चीज़ अपने आप ही रिफ्लेक्ट होती है। तो इसलिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए कि हमने एज ए पेरेंट हमारी फ़ोन हैबिट्स क्या हैं। जैसे मैं पहले बता चुका हूँ इंट्रोडक्शन में भी कि हमारे जो बच्चे हैं वो हमारा टाइम चाहते हैं, दे नीड अवर टाइम नॉट अवर प्रेजेंस। कहते हैं कि अवर चिल्ड्रन नीड अवर प्रेजेंस मोर देन द प्रेजेंट्स, हमारे गिफ्ट से ज़्यादा प्रेजेंट्स के ज़्यादा उनको हमारी किस चीज़ की ज़रूरत है, प्रेजेंस की, आपके टाइम की और आपकी मौजूदगी की उनको ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि आज के टाइम में बहुत सारे बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, गलत कामों में जा रहे हैं, गलत हैबिट्स में पड़ रहे हैं, क्योंकि पेरेंट्स के पास टाइम नहीं है उनको देखने के लिए। स्कूल छोड़ने के लिए ड्राइवर जाता है जब कोई और जा रहा है, ट्यूशन पढ़ाने के लिए कोई उनके साथ और कोई डील कर रहा है, कहीं शॉपिंग करने जाना तो उनके साथ कोई और जा रहा है, हम अपनी लाइफ में बिजी हैं। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बच्चे क्या हैं हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्योंकि अगर हम अपने बच्चों को बेस्ट नहीं दे रहे, अपना टाइम नहीं दे रहे, तो हम अपने कंट्री के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए किस तरह का प्रोडक्ट रेडी कर रहे हैं वो आपको पता है। क्योंकि अगर आज आपने अपना टाइम नहीं दिया, वो बच्चा आज भी आपके लिए हेडेक है, कल भी हेडेक रहेगा, आप 40 साल के भी हो जाओगे तभी भी बच्चा आपको परेशान ही करेगा। तो इसके लिए आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने किस तरह के, क्या आप अपनी नेक्स्ट ओल्ड एज में जाके सुख लेना चाहते हो, इस बच्चों के बारे में अच्छी चीज़ें सुनना चाहते हो, तो ये अभी, दिस इज़ द टाइम, नाउ इज़ द टाइम टू इन्वेस्ट ऑन अवर चिल्ड्रन। सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट आपकी मनी नहीं है, यू कैन लूज़ योर मनी एनी टाइम। आप अपना जो पैसा जमा कर रहे हो, जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, जिसके पीछे आपकी दौड़ लगी हुई है, वो एक मिनट में चला जाता है। आपने देखा होगा कि कई बार हम पूरी लाइफ अपनी
पूंजी जमा करने में लगे होते हैं, बहुत सारा हम पैसा इकट्ठा किया हमने, और कई बार कोई ऐसी डिजीज़ लग गई हमें जिस वजह से एक बार में वो सारी हमारी पूरी लाइफ की सेविंग चली जाती है। मगर आपने देखा होगा कि अगर वो टाइम, अगर अच्छा टाइम आपने अपने बच्चों पर स्पेंड किया है तो बच्चे हमारे साथ खड़े होते हैं जब हमें प्रॉब्लम्स होती हैं। ये सुनो, सो दिस इज़ वॉट हम ये चीज़ फेस कर पा रहे हैं। तो ये था सेकेंड प्रॉब्लम, वो है फ़ोन एडिक्शन। तो इसमें मैं ये नहीं कहूँगा कि बच्चों से कम्प्लीटली फ़ोन छीन लिए जाएँ, क्योंकि शायद उनके बच्चों के बहुत सारे काम हैं आज, उनका आज का जो सिलेबस है, आज की जो उनकी एजुकेशन है, उनमें फ़ोन एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। मे भी बहुत सारे उनको प्रोजेक्ट्स मिलते हैं जिनके उनको गूगल इस्तेमाल करना पड़ता है, यूट्यूब के थ्रू एजुकेशनल वीडियोज़ देखनी पड़ती हैं। मगर बच्चों को टाइम दो, मगर उनका जो स्क्रीन टाइम है इट शुड बी वेरी लिमिटेड। गिव अ लिमिटेड टाइम। अगर वो 2 घंटे के लिए आप दे रहे हो तो वो 2 घंटे ही होने चाहिए, यानी कि 2 घंटे बोल के वो बच्चा आप 6 घंटे तक कुछ ना कुछ खेले जा रहा है। तो ठीक है, उनको एंटरटेनमेंट के लिए फ़ोन की ज़रूरत है, मगर एंटरटेनमेंट शुड बी लिमिटेड। आप उनको मोटिवेट करो, आप उनको एनकरेज करो बाहर जाने के लिए, गोइंग आउटसाइड एंड प्लेइंग। पहले टाइम क्या होता था, अगर पहले समय देखे, पहले बच्चों को बाहर से खींच खींच के पेरेंट्स को अपने रूम में लेके आना पड़ता था कि बस करो, अभी खेल बहुत हो चुका, अभी घर में आके पढ़ो। मगर आज के टाइम में बच्चों का खेल क्या है, उनकी स्क्रीन, सब कुछ स्क्रीन पे है, गेम्स वहाँ है, सब कुछ वहाँ है, सॉन्ग्स वहाँ है। आजकल अपोजिट हो रहा है, आजकल पेरेंट्स को पकड़ के बच्चों को रूम से बाहर निकालना पड़ता है कि थोड़ा बाहर जाके खेलो। तो इसलिए आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने बच्चे को किस तरह की फॉर्मेशन दे रहे हो। तो इसलिए बच्चों को जो स्क्रीन टाइम है, फ़ोन टाइम है, इट शुड बी वेरी लिमिटेड। सेकेंडली, ये जो बच्चा फ़ोन यूज़ कर रहा है उसको अपना, ये नहीं कि बच्चा फ़ोन लेके अपने रूम में लॉक लगा के फ़ोन इस्तेमाल कर रहा है, ये आपकी प्रेजेंस में होना चाहिए। अगर आप बच्चे को पर्सनल कंप्यूटर दे रहे हो, कुछ भी दे रहे हो, तो वो आपकी प्रेजेंस में होना चाहिए, क्योंकि आजकल बहुत सारी रॉन्ग हैबिट्स बच्चे डेवलप कर रहे हैं। मे बी वो क्या देख रहे हैं, कुछ गलत वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि आजकल का जो दौर चल रहा है, आजकल का जो टाइम चल रहा है, इसमें इतनी ज़्यादा सोशल मीडिया पे रॉन्ग चीज़ें भी अवेलेबल हैं जो एक क्लिक से आपको मिल जाती हैं। एक रॉन्ग वर्ड टाइप किया, 10 चीज़ें वैसी निकल आई। तो अगर आपके बच्चे अच्छी चीज़ें सीख रहे हैं तो बुरी चीज़ें सीखने के भी चांसेस हैं। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि लिमिटेड टाइम होना चाहिए और आपकी प्रेजेंस में होना चाहिए। सो स्पेंड टाइम, नॉट मनी। मनी भी स्पेंड करो, मगर मनी से ज़्यादा बच्चों के साथ अपना टाइम स्पेंड करो। नेक्स्ट चीज़ जो आज के टाइम में बहुत ज़्यादा हो रही है, वो है कंपेयरिंग योर चिल्ड्रन विद अदर चिल्ड्रन। आजकल के जो पेरेंट्स हैं वो ज़्यादातर रिजल्ट ओरिएंटेड हो चुके हैं। हमारा जो मेन फोकस है कि हम बच्चों पे मार्क्स पे इतना फोकस कर देते हैं कि बच्चे पे इतना ज़्यादा प्रेशर बन जाता है, कई बार बच्चे का दिमाग प्रेशर कुकर ही बन जाता है। क्योंकि हम इतना ज़्यादा प्रेशर ना डालें बच्चे के माइंड के ऊपर, क्योंकि आज के क्रम में टाइम चल रहा है, उसमें पढ़ाई के अलावा और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके ऊपर उनको एक फोकस करने की ज़रूरत है, फोकस करने की ज़रूरत है। तो इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ये जो चीज़ है जो मैं अभी डिस्कस करने जा रहा हूँ, कि हमें अपने बच्चों की तुलना दूसरे बच्चों से नहीं करनी है। मे बी शायद आपका बच्चा पढ़ाई में कम है, पढ़ाई में उससे कम मार्क्स आ रहे हैं, मगर उसमें और बहुत सारी खूबियाँ हो सकती हैं। क्योंकि आज के टाइम, अगर जो टाइम चल रहा है, इसमें सिर्फ वो बच्चे सक्सेसफुल नहीं हैं जिनके 80, 90, 99% मार्क्स आ रहे हैं। आजकल का जो टाइम है, अगर आप देखो, अगर मैं अपनी बात करूँ, जहाँ मैं किसी और बहुत सारे यंगस्टर्स को मैं मिलता हूँ, जब वो इंटरव्यूज़ के लिए जाते हैं, जहाँ वो किसी अपनी जॉब परफॉर्मेंस के लिए जाते हैं, तो उनकी एजुकेशन से ज़्यादा, उनके नंबर्स से ज़्यादा, उनके मार्क्स से ज़्यादा क्या देखी जाती है, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स, उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, कि कैसे वो अपनी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर पा रहे हैं, कैसे वो अपनी उनकी कम्युनिकेशन कैसी है, वो कैसे लोगों के साथ बात कर सकते हैं। तो इसलिए आप सिर्फ एक चीज़ पर फोकस ना करो, मार्क्स। कई बार हम अपने बच्चों की खुद बेइज्जती कर देते हैं दूसरों के सामने कि उनका बच्चा देखो कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, उनका नेबर्स का बच्चा देखो, अपने अंकल का बेटा देखो कितने मार्क्स लेके आ रहा है। तो इसलिए हम दूसरों के साथ अपने बच्चों की तुलना करके, विशेषकर जब आपका बच्चा आपके साथ है, दूसरे लोग भी यहाँ पे हैं, उनके सामने कभी अपने बच्चे की बेइज्जती मत करो।
क्योंकि अगर आप उनके सामने कंपेयर कर रहे तो आप अपने बच्चा आपके या दुश्मन बन रहा है वहाँ पे, आप दुश्मनी मोल ले रहे हो अपने बच्चे के साथ, क्योंकि वो आपके लिए आपके प्रति उस बच्चे के मन में नफ़रत पैदा हो रही है कि मेरे ही पेरेंट्स मेरी बेइज्जती कर रहे हैं। बल्कि पेरेंट्स जो जो बच्चे होते हैं वो एक ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे जो पेरेंट्स हैं दे शुड सपोर्ट अस, कि वो हमें सपोर्ट करें इमोशनली। तो इसलिए ठीक है, मैं भी आपने रीज़न जानना है कि अगर आपके बच्चे के मार्क्स कम आ रहे हैं, मैं आपको बताता हूँ कि ये जो बच्चे होते हैं जहाँ जो टीनएजर्स होते हैं उनके लिए पढ़ाई प्रॉब्लम नहीं होती। अगर वो पढ़ाई में उनकी प्रॉब्लम है जब उनके मार्क्स कम आ रहे हैं तो उसमें ये नहीं कि वो पढ़ाई में कमज़ोर है, उनका दिमाग नहीं चल रहा ना, वो तो सिर्फ क्या उसका रिज़ल्ट है, प्रॉब्लम कहीं और है। क्योंकि अगर हमने उनकी प्रॉब्लम को जानना है तो उसके लिए हमें फ्रूट पे फोकस नहीं करना उसका रिज़ल्ट क्या रहा है, हमने रूट पे फोकस करना है। जब आप फ्रूट पे फोकस करोगे तो फ्रूट को आप मे बी जैसे फॉर एग्जांपल एक एप्पल का पेड़ है, अगर एप्पल पेड़ पे ख़राब हो रहा है तो आप एप्पल के ऊपर जाके उसको ठीक नहीं करोगे ना, आप उसकी जड़ों में जाओगे, अच्छा खाद डालोगे, अच्छा पानी डालोगे, अगर कोई उसको कीड़ा वगैरह लगा या कुछ है उसके ऊपर वर्क करोगे तब अपने आप ही एप्पल अच्छा आने लग जाएगा। तो इसलिए हम फ्रूट को चमकाए ना लोगों को दिखाने के लिए, बल्कि रूट्स पे जाके उस अगर बच्चे की प्रॉब्लम है, अगर बच्चा प्रॉब्लम में है तो उसको हम अंडरस्टैंड करें कि उसकी क्या प्रॉब्लम हो सकती है, उसका रीज़न। क्योंकि कई बार जो बच्चा दिखाता होता है वो उसकी प्रॉब्लम नहीं है, उसकी प्रॉब्लम क्या है वो जो छुपाता है। अगर हम अपनी बात भी करें, हम जो दिखाते हैं वो नहीं होते ना, हम पर्सनली अपनी अपनी जो व्यक्तिगत जीवन है उसमें हम अलग इंसान होते हैं। तो इसलिए हमारे जो बच्चों की प्रॉब्लम है वो नहीं है जो हम अपनी आँखों से देख सकते हैं, शायद हम अपने इन आँखों से अपने बच्चों को प्रॉब्लम नहीं देख सकते, उनकी उस प्रॉब्लम को देखने के लिए, उनकी उस प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करने के लिए हमारी आँखों की नहीं, हमारी नज़र की नहीं, हमारे नज़रिए की ज़रूरत है। हमारा नज़रिया उनके प्रति क्या है, क्या हम उनकी तुलना करते हैं, क्या जब वो उनके कम मार्क्स आए क्या तब भी उनको हमने बेइज्जती की, क्या उनको इनकरेज किया। कई बार स्कूल में होते हैं हम, उनके फ्रेंड्स अभी होते हैं, क्योंकि लेट मी टेल यू जब आपके बच्चे बड़े हो जाते हैं वो आपसे ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को इम्पोर्टेंस देते हैं, जब वो अपने से आपसे ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, जब आप उनके फ्रेंड्स के सामने उनकी बेइज्जती करते हो तो उस टाइम पर आप उनको उनकी जो सेल्फ इस्टीम है उनको लो कर रहे हो। तो ये तीन मेजर प्रॉब्लम्स हैं जो हमने चैलेंजेस हैं जो आज हमने डिस्कस की, और ये सबसे बड़े चैलेंजेस माने जाते हैं। तो आज के लिए हम बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारा फर्स्ट सेशन है, आज हम आपसे बात कर रहे हैं, तो और भी हम कंटिन्यू करते रहेंगे अपने आपसे बातचीत का, ये सिलसिला भी चलता रहेगा क्योंकि ये शुरुआत है। क्योंकि एज ए साइकोलॉजिस्ट मैंने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है कि अलग अलग जगह पर जाके मैं भी सोशल मीडिया के थ्रू, मैं भी यूट्यूब के थ्रू आप लोगों तक पहुंचना, ताकि जो मैंने सीखा है, जो मैंने अनुभव किया है अपनी पढ़ाई के थ्रू या अपने एक्सपीरियंस के थ्रू, मैं अपने इस अनुभव को दूसरों के साथ शेयर करना चाहता हूं। सो थैंक यू सो मच आज के इस सेशन के लिए। तो मैं आस करता हूं कि आपने जो आज से सीखा कि अच्छे माँ बाप कैसे बनना है, तो उससे हमने बहुत कुछ सीखा आज के सेशन से, तो आगे भी हमारा ये सीखने का और सिखाने का सिलसिला जारी रहेगा। सो थैंक यू।